नमस्कार दोस्तों, युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने एलडीसी भर्ती के लिए जो विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि कलर ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर संयुक्त भर्तियों की परीक्षा 2022 के पदों के लिए भर्ती यहां पर जारी कर दी है। साथ ही विज्ञापन जो है, विस्तृत विज्ञापन वो जारी कर दिया और आवेदन यहां पर मांगे। मैं बता दूं, जूनियर असिस्टेंट और कलर ग्रेड सेकंड के लिए यहां पर आवेदन मांगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो पद हैं जूनियर असिस्टेंट और कलर ग्रेड सेकंड, उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं तथा चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 2 वर्ष तक 14,600 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में रहेंगे और परीक्षा काल पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल L5 पे स्केल है 20,800 से 65,900 रुपये दे होगा। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहाँ पर करने होंगे और जो अधिकृत जो वेबसाइट है यहाँ पर जोधपुर हाई कोर्ट की, वो है www.scraj.nic.in पर विज्ञप्ति उपलब्ध है। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक पर भी जो संपूर्ण जो विज्ञापन है वो उपलब्ध रहेगा। अब मैं बता दूं, जो रिक्तियां वो किस प्रकार से रहेगी। आप देख सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक हेतु जो संलग्न अनुलग्न एक में दिया गया है, न्यायिक अकादमी के लिए 2 में, विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 3 में, जिला न्यायालयों के लिए 4 और 5 में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि इन पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही 50% की सीमा तक अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी, जो वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया था उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा, बशर्ते उनको फीस का पेमेंट नहीं करना होगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा, लेकिन आवेदन फीस का पेमेंट नहीं करना होगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें आवेदन करते समय जो आवेदन शुल्क है उसका भी पेमेंट यहाँ पर करना होगा। आप देख सकते हैं, दिव्यांग जो आरक्षण है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया होगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दे है। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2022 रखी गई है। तो दोस्तों, आप 22 सितंबर 2022 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है मस्ट बी ए ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर है तो आप जूनियर असिस्टेंट या और कलर ग्रेड सेकंड जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने वैकेंसी निकाली है उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। साथ ही एज आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष है। साथ ही एज रिडक्शन है जो भी आरक्षण नियमानुसार दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर श्रेणी और अन्य राज्यों के जो आवेदक हैं उनको 500 रुपये और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 400 रुपये, SC और ST और दिव्यांगजनों के लिए 350 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। साथ ही जिन आवेदकों में ने पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें आवेदन किया था उन्हें पुनः आवेदन करना होगा, लेकिन कोई भी परीक्षा शुल्क का पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि नियुक्ति की जो अनिवार्य योग्यताएं हैं वो यहाँ पर दी गई है, परीक्षा के आधार पर चयन यहाँ पर किया जाएगा और परीक्षा के आधार पर जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया है। किस प्रकार से प्रश्न आंसर जो है आपसे पूछे जाएंगे वो भी पार्ट डिवाइड कर दिया है। इन्होंने कहा कि जो रिटन टेस्ट है वो 300 नंबर का होगा, जिसमें पार्ट ए हिंदी 100 नंबर का, पार्ट बी इंग्लिश 100 नंबर की और पार्ट सी जनरल नॉलेज 100 नंबर का होगा। मिनिमम मार्क्स जो है SC ST और PH कैंडिडेट्स को 120 नंबर चाहिए और अदर कैंडिडेट्स को मिनिमम 135 नंबर चाहिए। 2 घंटे की परीक्षा अवधि होगी।
साथ ही लिखित परीक्षा जो है मल्टीपल चॉइस आंसर के आधार पे होगी। आप देख सकते हैं 50% एक जो पार्ट है यानी कि 150% पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। साथ ही इन्होंने कहा सिलेबस जो है हिंदी में संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद इस प्रकार से आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंग्लिश का भी जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। जीके का भी, करंट जीके में करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान होगा। साथ ही पार्ट बी जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें स्पीड टेस्ट होगी हिंदी और इंग्लिश की, 5-5 मिनट दी जाएगी 25-25 नंबर के। साथ ही SC ST और PH कैंडिडेट्स को 20 नंबर चाहिए और अदर कैंडिडेट्स को 22.5 नंबर चाहिए। साथ ही जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 नंबर का, वो 10 मिनट का जो 50 नंबर का होगा जिसमें SC ST और PH कैंडिडेट्स को 20 नंबर और अदर कैंडिडेट्स को 22.5 नंबर चाहिए। तो इन्होंने कहा जो एफिशिएंसी जो कंप्यूटर टेस्ट है वो कुर्ती देवली में होगा या कैलेबरी जो फॉन्ट है उसमें होगा। तो यहाँ पर जो संपूर्ण जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको करना होगा। आवेदन की जो समय सीमा है वो 22 अगस्त 2022 सोमवार दोपहर 1 बजे से दिनांक 22 सितंबर 2022 गुरुवार शाम 5 बजे तक होगी। तो दोस्तों आप 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने का जो टाइम पीरियड है वो 22 अगस्त से लेकर 23 सितंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक होगा, आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदन की जो फीस है वो ऑनलाइन आपको जमा करवानी होगी। साथ ही परीक्षा का जो स्थान, माह और दिनांक है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय प्रत्यक्ष प्रसारित की जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया कि किस माह में यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होगी, लेकिन इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम है वो जिला मुख्यालय पर होगी और अगर ज़्यादा संख्या होगी अभ्यर्थियों की तो तहसील मुख्यालयों पर भी परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। और परीक्षा का माह और दिनांक जो है अलग से आदेश जारी करते हुए यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही अगर मॉडल आंसर की के खिलाफ किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देकर वो आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो रिक्तियां हैं उनका भी मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे कितने कितने पद यहां पर रिक्त हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो अनुलग्न फर्स्ट है उसमें आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज हैं 320 यहाँ पर वैकेंसी है। इसी प्रकार से अनुलग्न सेकंड में आप देख सकते हैं टोटल जो 4 वैकेंसी है, थर्ड में 18, फोर्थ में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नॉन टीएसपी एरिया में वैकेंसी यहां पर जारी की गई है जिसमें अजमेर में 101, अलवर 175, बालोतरा 69, 12, 39, इस प्रकार से टोटल 1985 वैकेंसीज यहां पर जारी की गई है। टीएसपी एरिया के लिए 69 वैकेंसी। इसी प्रकार से नॉन टीएसपी एरिया अनुलग्न 6 में आप देख सकते हैं 343 वैकेंसी, टीएसपी एरिया अनुलग्न 7 में 17 वैकेंसी। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसीज हैं टोटल 2756 वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 22 अगस्त दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होंगे और 22 सितंबर शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन की जो शुल्क है वो 23 सितंबर तक आप रात्रि 12 बजे तक जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।